सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, और वो है ब्रेस्ट एट्रोफी। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है, अब मैं आपको कुछ नई मेडिसिंस के बारे में बता रही हूँ। जिन लोगों को अगर इफेक्ट नहीं आया है, वैसे तो बहुत ही इफेक्टिव दवा थी और सभी लोगों को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन यदि किसी महिला को किसी भी कारणवश अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको चार टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिंस बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ब्रेस्ट एट्रोफी के केस में। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको प्रॉपर सारी दवाइयों के बारे में जानकारी दे सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को टैप कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम इस तरह का कोई भी नया वीडियो लेकर आते हैं, और आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी हो पाएंगे, अपने लिए बात भी कर सकेंगे मेरे लाइव सेशन में जुड़कर। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ब्रेस्ट एट्रोफी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत सी फीमेल्स हमारे पास कॉल करती हैं, उनको इशू होता है कि उनका फीमेल बॉडी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, बहुत ज़्यादा लीन थिन है, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है डॉक्टर REPL 23 के नाम से। तो REPL 23 ब्रेस्ट एट्रोफी के नाम से ये ड्रॉप आप लोगों ने पहले भी देखी होगी मेरे चैनल पे, नहीं देखी है तो आप लोग लिंक चेक कर लीजिए, मैंने वहाँ पे उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो दवा थी ये कितने दिनों तक आपको रेगुलर लेनी थी। ये आपको 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू लेनी थी। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा मैम कितने दिनों तक लेना है, तो ज़्यादातर रिजल्ट जिन महिलाओं ने 6 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल किया है उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब बात कर लेते, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी और उनको इफेक्ट नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने हमसे सजेशन मांगा कि मैम अगर इस दवा से इफेक्ट ना आए तो क्या कोई और होम्योपैथिक दवा है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो मैं आज आपको इन्हीं होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली दवा है आपकी मोस्ट इफेक्टिव चीमा फिला क्यू। बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है फीमेल ब्रेस्ट साइज रेगुलेट करने में। चीमा फिला आपको क्यू में लेनी है, यानी मदर टिंचर में आपको लेना होता है, और जिन लोगों को रैपिड एट्रोफी है यानी बहुत ज़्यादा आपको एट्रोफी हुई है, ये किसी बीमारी की वजह से हो सकती है या आप बहुत ज़्यादा कहना चाहिए स्ट्रेस में रहे, कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे आपका बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो चीमा फिला क्यू आप ले सकती हैं। 10-10 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिला के पीना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी सबल सारोलाटा क्यू। जो महिलाएं इतनी कमजोर है, शरीर बिल्कुल भी नहीं भरता, वजन बहुत ज़्यादा कम है, जो भी खाती पीती है शरीर में लगता ही नहीं, तो सबल सरोलाटा क्यू इस बॉडी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। सबल सरोलाटा क्यू में आप लीजिए और 10-10 बूंदें आधे कप पानी मिला के दिन में 3 बार पीना है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी आयोडियम। आयोडियम आपकी ग्लैंडुलर मेडिसिन है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये फीमेल्स के लिए, जिन लोगों को ये समस्या है कि उनका साइज बहुत कम है और परेशान है काफ़ी दिनों से, तो आयोडियम आप ले सकते हैं 6x में। टैबलेट्स आएंगी इसकी 3x या 6x में, आपको इसकी एक एक गोली दिन में 3 बार लेनी होती है। अगर 3x में ना मिले तो 30 में भी यूज कर सकती हैं, और इसकी फिर 2-2 बूंदें डायरेक्टली टंग पे या 6-6 गोलियां आपको इस्तेमाल करनी होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी ऑनोस्मोडियम। ऑनोस्मोडियम को भी बहुत इफेक्टिव माना गया है फीमेल के केसेस में, तो आप ऑनोस्मोडियम का प्रयोग कर सकती हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको 4 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताई, इसके अलावा भी कई मेडिसिन आती हैं, लेकिन ये 4 जो हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेनफुल रहता है, पेनफुल के साथ साथ आपका ट्यूमर वगैरह का भी इशू रहा है कभी, और
देन आपको फिर एट्रोपी हुई है तो कोनियम मैक अच्छा वर्क करती है, आप कोनियम मैक का प्रयोग कर सकती हैं। दिन में 3 बार इसको लिया जाता है, 6-6 गोलियां ही लेना है, इसे ज्यादा पावर में नहीं लेना है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए इसके अलावा मैंने जो पहले भी आपको बताया है वो है, देखिए ये REPL 23 ड्रॉप आता है, ये आप प्रयोग कर सकती हैं, और ब्रेस्ट ट्रिम ऑयल आता है, ये ऑयल से आप मसाज कर सकती हैं। तो ये ब्रेस्ट ट्रिम ऑयल और REPL 23 ड्रॉप ये भी आता है, ये पेटेंट ड्रॉप्स में आता है, यानी ऑलरेडी मेडिसिन बनी हुई रहती है कंपनी की, तो कुछ दवाइयाँ ऐड करके इसको बनाया गया है जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी थी अपने पुराने वीडियो में। और ये ऑयल आता है ब्रेस्ट ट्रिम नाम से, तो इस ऑयल से आपको रेगुलरली मसाज करनी होती है। जिन लोगों का ऐसा भी इशू है कि आपका डिफर कर गया है साइज, तो उस केस में ऑयल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सेफ, नेचुरल और इफेक्टिव मेडिसिन है। कैसे लेना है मैंने आपको ये भी बता दिया, अब बता देती हूँ कहाँ पे आपको ये मिल पाएंगी। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको ये दवाएं मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिकल पे ही जाएं, एलोपैथिक आयुर्वेदिक में ये दवा नहीं मिलती है, क्योंकि ये उनसे डिफर पैथी है, उनसे डिफरेंट दवा है। नहीं है आपके यहाँ ऐसी कोई डिस्पेंसरी, ऐसा कोई फार्मेसी, तो आप ऑनलाइन www.sreehomeocenter.com से जाके ऑर्डर कर सकती हैं। तो इन दवाइयों का रेगुलर यूज आप कर सकते हैं, एंड होप आपको इससे जरूर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में अपना जो भी एक्सपीरियंस है जरूर से शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं डॉक्टर सत्या अब लेना चाह रही हूँ आप लोगों से इजाजत, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।